बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है? अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सर फिर भाषा गलत हो गई, अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? स्पीकर सर ये जय श्री राम, प्लीज प्लीज जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, ना हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। एक मिनट प्लीज, आप रमा देवी जी, आप मैं बगल में बैठा हूं, जो उनको कहना था उन्होंने अपनी किसी आप एक बार आजम खान जी बोल दें कि उन्होंने कहा है, क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाए। अब देखिए स्पीकर सर भाषा देखिए, और मैं मंत्री जी से कहूंगा जो उन्नाव में घटना हुई वो भी तो सोचिए। अरे माननीय सदस्य प्लीज, एक बेटी के साथ हुई है, एक बेटी के साथ क्या हुआ है? माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, और देखिए प्लीज स्पीकर सर फिर भाषा गलत हो गई, अगर एक महिला की गलत भाषा होगी तो क्या होगा इस देश का? प्लीज आजम खान जी, एक बार आप इसे दोबारा रख दें। हाँ एक बार क्षमा, क्या क्षमा कह बड़ा जी लोग, हाँ आप कह देंगे, हाँ बोल, हाँ नहीं कह चुके हैं एक मान्यवर। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है, बात को एक बार कहें या 1000 बार कहें, बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, स्पीकर सर ये जय श्री राम, प्लीज प्लीज प्लीज। रमा देवी जी आप क्या बोलना चाहती हैं? प्लीज प्लीज रमा देवी जी का नोटेड हो प्लीज जी प्लीज। इनको कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं क्या उनको? अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है, और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए अखिलेश जी उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह आजम खान की जो आदत है यह सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से, इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। यह जानने की बात मानते हुए हमारे जो आदेश वो दिए हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक ठीक है माननीय सदस्य, ठीक है ठीक है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य नहीं 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 उन्नाव के माननीय सदस्य प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज 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 माननीय सदस्य गण, एक 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 मिनट माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, एक हाँ अभी दे रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं, आप एक मिनट, एक सेकंड
एक सेकंड दादा, एक दादा एक सेकंड प्लीज दादा प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको इसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।